जयंत गुरु चरणों में छुपते हैं सब दर नारी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बस दुख पीड़ा है कोई हरे ना पी, सिसक रहा कोई तड़प रहा है बहता जाए नी।
आने वाले कल की देख के धुंधली तस्वीर, वर्तमान ये पूछे तुमसे हो कहाँ, जन्म लो ना गले से लगा लो ना। पाठ से लीलाजी महान तपस्वी सरकारी बंदन साधु बंधन। आज बहुत हर्ष का दिन है, जिस घड़ी का इंतजार था हम सबको वो घड़ी आई। और पटेल का लेखन का कार्य करीब करीब अगर माना सबके निर्भर में पूरा हो, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये प्रतिष्ठा हम सब जैसे जिसको ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे। हमको विशेष करके सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है और चंद्रप्रभा सिंह जी महाराज साहब जिन्होंने इंदौर में 10 मांगनी करी और एक भोपावर तीर्थ में करी, उनका असीम आशीर्वाद हम सब पर है। साथ ही साथ में नागेश्वर तीर्थ को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले दीपचंदी देव दादा साहब भव्य आत्मा जहाँ भी है उनका भी आशीर्वाद है। हमारे ट्रस्ट मंडल के जो साथी आज हमारे बीच में नहीं है, भूलकर जी मेहसा साहब, नंदन जी गुंडिया साहब, उन सबका भी हमें कहीं न कहीं से आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक प्रतिष्ठा होने जा रही है, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप तो इसी तरह हमारे साथ रहेंगे, ऐतिहासिक प्रतिष्ठा संपन्न कराएंगे। आज मुझे जो पत्रिका लिखने के लिए दी है वो पार्श्वनाथ प्रभु नलखेड़ा की दी है। मैं ट्रस्ट मंडल से आज्ञा लेता हूँ, अगर आप सब आज्ञा देंगे तो ये पत्रिका लेके अभी मैं यहाँ से नरेश जी मेहता साहब, बहन जी गांधिया साहब और जो भी जाना चाहे उनके साथ लेके और मैं वहाँ पे पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों पर अर्पण करूँगा वहाँ जाके, क्योंकि इफाक से मुझे जो पत्रिका दी है तो बैठे बैठे मेरे मन में भाव आया कि कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, तो वो पत्रिका लेके सीधा मैं नलखेड़ा यहाँ से जल्दी फ्री होऊंगा। मान केवल ज्ञानी जैनों की शान, महावीर है मेरा अभिमान, महावीर है मेरी पहचान, महावीर है जो सत्य अहिंसा से पाया जग में वो नाम, महावीर है मेरा अभिमान, महावीर है मेरी पहचान, महावीर है मेरा अभिमान, महावीर है। चरणों में छत वंदन, उपस्थित साधु भगवान साधु जी महाराज साहब के चरणों में छत वंदन और मेरे ट्रस्टी का नागेश्वर तक पहुँचना है, उसके पश्चात समस्त कार्यक्रम आपकी निश्राम में पूरे करने के लिए आज हम ने पत्रिका लेखन का कार्य करा, 1 बजे संपन्न हुआ। वैसे ही सब ट्रस्टों के मन में भाव आया कि आचार्य भगवान के पास जीवन करना चाहिए, जिंदगी करना चाहिए, तो पूरा ट्रस्ट मंडल आपके सामने उपस्थित है। गुरुदेव ने इंदौर से इंदौर में कंचनपाद श्री संघ वहाँ का जी मैं अध्यक्ष हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी आपका उत्साह में हो तो आप इंदौर कंचनबाग श्री संघ प्लस एक भोपावर तीर्थ है सरदारपुर के पास, प्राचीन तीर्थ है
वहाँ के लिए भी मैं विनती करता हूँ, दोनों इस प्रश्नों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो गुरुदेव, जैसा आपका गर्मी का और आपका विचरण स्थिति देखते हुए, लेकिन इंदौर के अंदर आपका अगर पदार्पण होता है तो कंचन मार्ग श्री संघ के माध्यम से सभी श्री संघ में कंचन मार्ग श्री संघ की स्थापना सम्मानीय अखेवाल जी मुनिया साहब नंदा जी मुनिया साहब के द्वारा की गई, और वहाँ का जो उपास का मुहूर्त है चंद्र बाबा श्री जी महाराज साहब के फिर से मेरे वरिष्ठ मेरे पहले भी नागेश्वर अलोट से नागेश्वर संघ के माध्यम से 12 से 21 तक की पूरी प्रतिष्ठा आपके कर्तव्य द्वारा और आपके निर्देशन तो गुरुदेव का रहता नहीं, हम कार्यकर्ताओं को काम रहता रहता है, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दिया कि हम बगैर किसी तकलीफ के इस प्रतिष्ठा को कंप्लीट कर सके। मेरे अध्यक्ष महोदय वाहन बैठक और अनुकूल स्वास्थ्य होने के बाद भी पूरी ताकत से एक ही सपना है कि शानदार आपका होना चाहिए प्रतिष्ठा। आप बना रहे हैं, बना रहे हैं।